और इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस विश्व युद्ध की तरह है। इसके साथ कहा कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है, केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जनता केंद्र के साथ है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध की तरह कोरोना वायरस से लड़ना है, ये वक्त राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है, केंद्र राज्य मिलकर काम करें और जनता केंद्र के साथ है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर रिया मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिया, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस तीसरे विश्व युद्ध की तरह इसके साथ मिलकर काम करना है, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। जबकि पश्चिम बंगाल में टकराव देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, राज्यपाल और हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता जी के बहुत सारे टकराव सामने आ चुके हैं और अभी भी इस कोरोना के टाइम में भी अभी भी देखा जा रहा है कि टकराव सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार और राज्यपाल जो धनखड़ सर है, एक बार फिर से उन दोनों ने सामने आ ही गए एकदम ओपनली। और जो देखा जा रहा है कि राज्यपाल ने आरोप भी लगाए हैं तृणमूल सुप्रीमो के खिलाफ कि वो अभी भी टकराव के मूड में है। उनको बार बार राज्यपाल जी ने अनुरोध किया है कि ये अभी बंद कीजिए, क्योंकि ये हमारे सामने अभी तृतीय विश्व युद्ध है। राज्यपाल ने ये भी कहा है पश्चिम बंगाल की जनता केंद्र सरकार के साथ है, लेकिन हमारे जो राज्य सरकार है वो हमारे यहाँ पर लॉकडाउन ठीक से करवा ही नहीं रहे हैं। उनके सामने उन्होंने और भी कुछ कहा है कि इस समय जो वो देख रहे हैं कि उनको धक्का भी लगा है कि राजनीति लोगों को कहाँ तक भी लेके जा सकता है तृणमूल सुप्रीमो के खिलाफ, ये उन्होंने आरोप अभी लगाया है।